शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने बताया कि मोहाली एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट को हर तरह से अपग्रेड करने का वादा किया था, जिसको लेकर मेरी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की है। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ने से मांग की है कि इस एयरपोर्ट पर कार्गो फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाए ताकि पंजाब से उत्पाद विदेशों तक पहुंच सकें और विदेशों से पंजाब तक सामान आ सके, जिसका सीधा फायदा पंजाब के किसानों को होगा, जिस पर उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा भरोसा दिया गया। इन सभी मुद्दों पर विचार जरूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल अगले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेगा। भारत सरकार दे जिहड़े हवाई मंत्री शहरी सिविलियन मंत्री श्री ज्योतिराव सिंधिया जी, उन्होंने मैं जन मोहाली के जिहड़े व्यापारी सी, कारोबारी सी, किसान सी, मुलाजम सी, उन्हां दी जिहड़ी अहम मंग मैनू उन्होंने दिती वो लेके गया सी कि जिहड़ा हवाई अड्डा है मोहाली का, उत्थे कारगो व्यवस्था की जाए, क्योंकि कारगो व्यवस्था का वादा मान जो प्रधानमंत्री जी ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन समय पब्लिकली किया, सानू विश्वास दवाया सी कि सब तो वधिया जे कोई शूट करदा कारगो लिए थां, और मान जो मंत्री जी ने पूरा भरोसा दवाया कि कस्टम एयरपोर्ट के स्टेटस तो इसनों अंतरराष्ट्रीय स्टेटस हवाई अड्डे का स्टेटस बना के इत्थे कारगो व्यवस्था जिहड़ी है वो जल्दी शुरू कराई जाएगी। और नाल ही मैं मंग कीती आ कि पंतनगर लई मोहाली हवाई अड्डे तो हवाई सेवा शुरू कीती जाए, जल्दी पंतनगर लई हवाई सेवा शुरू करन दा वादा कीता।